दोस्तों नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। चीन से आने वाले यात्रियों के कोविड टेस्ट की अनिवार्यता खत्म करेगा अमेरिका। सरकार को युवाओं का होली गिफ्ट, 5,369 सरकारी नौकरियों के लिए अधिसूचना जारी। मिस्र के काहिरा में पटरी से उतरी ट्रेन, दो लोगों की मौत। औषधि केंद्र से गरीबों को मिलेगी अब राहत, आयुष्मान भारत में 80,000 करोड़ की बचत। प्रचलित 65 कानूनों को खत्म करेगी अब सरकार, संसद सत्र में लाएगी बिल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जेल में ही बनेगी होली, 20 मार्च तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में। बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, 48 तस्कर हुए गिरफ्तार, तो वहीं 15 वाहन किए जब्त। साथ में विस्फोट, बस के उड़े पर खच्चे, पुलिस के 9 जवानों की मौत। केंद्र सरकार को युवाओं का होली गिफ्ट, 5,369 सरकारी नौकरियों के लिए अधिसूचना जारी। और 8 मार्च विश्व महिला दिवस के अवसर पर जगह जगह किया जा रहा है महिलाओं को सम्मानित। महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा, प्रेम, साथ ही सामाजिक उपलब्धियों को प्रकट करने का है ये दिन।